मानसिक संतुलन बिगड़ने के अनेक कारण हैं, और आज डॉक्टर्स डे है और इसलिए मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। WHO जागतिक आरोग्य संगठन जो है उसका अहवाल ये बोलता है कि 6 से 7% लोगों को मानसिक बीमारी है। हर 4 फैमिली में से एक व्यक्ति को मानसिक बीमारी है। क्या हुआ कि कोरोना में करीब करीब 2 साल चले गए, और ये 2 साल में क्या हो गया, स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, होटल्स, मॉल्स, थिएटर्स, मतलब सब बंद, चालू बंद ऐसा हो रहा था। लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोला, बच्चों लोगों को स्कूल नहीं है, इंटरेक्शंस नहीं है, मोबाइल के ऊपर स्कूल चालू है, वर्क फ्रॉम होम में कंप्यूटर के ऊपर काम चालू है। क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, लोगों से मिलना जुलना उसको अच्छा लगता है, और वही नहीं हो रहा था तो वहाँ से काफ़ी सारी बीमारियाँ चालू हो गई। एक तो कोविड का डर, तो भाई कोविड हो जाएगा उसका डर, फिर दूसरा अकेले रहना और उसमें फिर मानसिक संतुलन बिगड़ना, और तीसरा कोविड होने के बाद में प्रॉब्लम्स आ गए। काफ़ी लोगों को मानसिक प्रॉब्लम्स आ गए, उसमें सेक्स प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाई दिया कोविड की वजह से, उनको सेक्स प्रॉब्लम भी आ गया। काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हैं, फैमिली में परिवार में झगड़े झंझट चालू है, बहुत सारे टेंशन स्ट्रेसेस लोगों के ऊपर है, आर्थिक प्रॉब्लम्स लोगों को है, कोर्ट केसेस चालू है, आपस में झगड़े झंझट है प्रॉपर्टी के, उसकी वजह से। फिर अभी तो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी जो ज़माना चालू हो गया है कि उसके वजह से वो ब्रेकअप, और उसकी वजह से एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसे अनेक कारण हैं कि जिसकी वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और मानसिक पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। तो मानसिक संतुलन बिगड़ने में एकदम तुरंत लक्षण क्या दिखाई देते हैं? एक लक्षण है कि नींद नहीं आना, या नींद टूट जाना, या जल्दी नींद खुल जाना, या फिर दिन भर नींद जैसा लगना, मतलब उबासी आना, नींद जैसा लगना, क्योंकि रात को नींद बराबर हुई नहीं है। तो फिर उलक्कड़पना है, याददाश्त कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, काम में ख्याल नहीं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, विचार अनकंट्रोल्ड है, याद रहता नहीं, काम में ख्याल नहीं तो याद रहता नहीं है, भूख नहीं लग रही है, वजन कम हो रहा है, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बात के ऊपर अदरवाइज शांत रहना चाहिए मगर वो अदरवाइज शांत रहने वाला आदमी अभी गुस्सा करना चालू कर दिया है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो लक्षण है वो मानसिक बीमारी या असंतुलन के लक्षण है। फिर अभी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से लोगों ने डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, साइकेट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। वो लोग है कि बार बार आपको निराशा आ रही है, दुखी हो रहा है व्यक्ति, खुदकुशी के विचार आ रहे, आत्महत्या के विचार आ रहे, कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है, सब जांच पड़ताल किया तभी भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बदन में दर्द, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा ऐसा ओवरवेलम बोलते ना कि बहुत ज़्यादा काम है ऐसा लगना, और फिर कंफ्यूज हो जाना। तो ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते तो तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि फिर लोग बोलते हैं, हाँ हमको ऐसा लग रहा था कि पिछले 5-6 दिनों से कुछ तो भी गड़बड़ है, और हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ है। 5-6 दिनों से ऐसी गड़बड़ दिखाई दे रही थी व्यक्ति में, मगर अभी आज बहुत ही ज़्यादा हो गया करके हमको लाना पड़ा। तो मानसिक बीमारी एकदम ऐसी आती नहीं है, कुछ ना कुछ पहले दिखाई देता है मगर वो हम नॉर्मल करके पास कर देते हैं, और बाद में फिर जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर डॉक्टर के पास में आते हैं। तो हमारे रोज के व्यवहार में, रोज़ की ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ दिख गई तो तुरंत डॉक्टर के पास में जाके सलाह लेना जरूरी है। यदि आपके पास में ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ में आप एकदम फ्रीली बात कर सकते हैं, अपने मन की बात बता सकते हैं, या अपनी हॉबी है वहाँ कुछ टाइम बिता सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, एक्सरसाइज चालू करना, और अपने आसपास के लोगों के पास में रहना और उनको मन की बातें बताना, कुछ ऐसे दोस्त कि जिनको हम मन की बातें बता सकते हैं, ऐसे दोस्त होना, ये सब करते हैं तो डेफिनेटली मन हल्का होता है और मानसिक असंतुलन जो हुआ है वो संतुलन फिर से आ सकता है। नहीं कंट्रोल हो रहा है तो तुरंत साइकेट्रिस्ट मतलब मनोविकार तज्ञ का सलाह लेना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके
वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।